दुनिया भर में कोरोना वायरस की दहशत बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर पूरी दुनिया के ऊपर मुश्किलों के बादल मंडरा रहे हैं और सभी अपने अपने तरीके से इस महामारी से निपटने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। जिसका जैसा बन पड़ रहा है वो वैसा करने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इनको लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं, जिसके बाद देश में आपातकाल जैसी स्थिति के हालात बनने की आशंकाएं बढ़ती जा रही है। लेकिन देश के कई राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की नींद अभी भी नहीं खुली है। हाल ही में एक मामला सामने आया जब कोरोना वायरस का संदिग्ध पाए जाने के बाद कटिहार में स्वास्थ्य विभाग के सभी दावों की पोल खुली और सारे प्रशासनिक दावे फेल होते हुए नजर आए, जिसमें जयपुर से कटिहार लौटी बीटेक की एक छात्र ने कोरोना वायरस का संदिग्ध पाए जाने के बाद उसे कटिहार मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में ले जाया गया और वो आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज ही चला रहा था और प्रशासन की तरफ से कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। और जब सिविल सर्जन से कोरोना को लेकर तैयारी के बारे में पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। व्यवस्था अभी जब हमारे यहाँ ये किट्स है, सारा चीज है, सैंपल कलेक्शन हुआ तो व्यवस्था और कौन चीज होगा यहाँ। जैसे डॉक्टर लोग कह रहे थे जो व्यवस्था और जो जरूरत होता है, डॉक्टर लोग कह कैसे रहे हैं, सैंपल कलेक्शन के लिए जो VTM है वो यहाँ है, जो मास्क और गाउन पहनने का होता है जिसको बोलते हैं कि प्रोटेक्शन किट वो यहाँ पर है। हम आज भेजे हैं 30 को, सैंपल कलेक्शन के लिए 50 को भेजे हैं, ये हाँ सब है वहाँ पर और स्टोर में रखा हुआ है। हाँ हाँ आज भेजे हैं, जब बोले हैं सर कि नहीं है तो हम वहाँ से भेजे, क्योंकि ये पेशेंट आया है तो आज हमारे यहाँ आज पहुँचा है सर। ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर कर देती हैं। इतनी भयावह स्थिति में भी प्रशासनिक औदों पर बैठे लोग इतनी आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। न्यूज़ के लिए दिनेश कुमार की रिपोर्ट।